हेलो, चौक गए ना देख के तो देख सकते हैं ये है टेलीफोन। इसका इस्तेमाल पहले जमाने में हुआ करता था सिर्फ बातचीत करने के लिए। आज हम सभी के पास कुछ इस तरह के स्मार्टफोन है और फोनों के बिना हम सबकी दुनिया अधूरी है। आज आप एक ही उंगली दबा के देख कर सकते दुनिया के किसी भी कोने में क्या चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ आपके फोन में है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब फोन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ केवल बात करने के लिए हुआ करता था। तो राज राधे जी, कैसे हो सारे सारे का फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, यानी कि टीम बरारी ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से बढ़ी है उसका पता तो आप सभी को पता ही होगा। जब हम छोटे थे तो ना ही स्मार्टफोन हुआ करते थे, ना ही कंप्यूटर ज्यादा हुआ करते थे, हमने तो कभी देखे नहीं थे। अब थोड़ा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में जानने लगे हैं। तो एक जमाना ऐसा था जब हमको किसी से बात करनी होती थी तो हम चिट्ठी पोस्ट किया करते थे। मान लीजिए यहां से आपको दिल्ली चिट्ठी भेजनी है तो 2 दिन लगते थे उसको पहुंचने में। पहले आप लिखते थे लेटर और चिट्ठी डाली। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी तरक्की की विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, उसके बाद आई एक टेलीफोन। इसका इस्तेमाल केवल बात करने के लिए होता था। फोन आया, आपने उठाया, हाँ जी बोलिए, और रख दिया। आपको फोन करना है तो इसमें नंबर डायल किया और किया। लेकिन इससे भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए होता था और किसी के लिए नहीं। और इसके साथ एक डिस्क की तरह लंबी केबल आती थी जो पूरी घर से लेके बहुत दूर तक फैली हुई होती थी। लेकिन इसको बाहर तो ले जा नहीं सकते थे, घर में है तो बात कर सकते हैं, बाहर है तो नहीं है। उसके बाद कुछ तरक्की इस तरह से हुई, इस तरह का फोन आया, यह नोकिया 1100, 1100 या 1200 पता नहीं, नोकिया का फोन है। इसके में आप बात भी कर सकते थे और इसमें ऊपर टॉर्च भी थी। अगर अंधेरा हो गया तो टॉर्च जला के सामान को देख भी सकते हैं कहाँ है। इसमें फेमस एक चीज थी, सांप वाला गेम। इसमें जो सांप वाला गेम था इसका नाम था स्नेक एक्शन जिया। वो तो शायद ही कोई, आप अगर 90s में पैदा हुए होंगे तो आपने वो गेम नहीं खेला होगा, ऐसा मुश्किल ही कोई होगा। क्योंकि अगर आपके पास नोकिया 1100 फोन है और आपने सांप वाला गेम नहीं खेला तो समझिए आपने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया। तो ये फोन आया, उसके बाद इसको आप जेब में रख के जा सकते थे। इसमें नोकिया की ट्यूनिंग भी थी, जब इसका स्विच ऑफ खुलता था तो 2 हाथ आते थे, ऐसे हैंडशेक करते थे, तब आपका स्विच ऑफ खुलता था। तो बहुत ही अच्छा फोन था ये। लेकिन आज के स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो बोलोगे यार क्या है ये। लेकिन उन बच्चों से पूछिए 90s में पैदा हुए से क्या फोन था ये। उसके बाद आया कुछ इस तरह का, जैसे नोकिया ने बनाया नोकिया C2 फोन। अब तक जितने भी फोन थे उसमें केवल एक प्रकार के सिम कार्ड का प्रयोग होता था, लेकिन नोकिया C2 उसके बाद कुछ ऐसा लाया 2000 के बाद जिसमें 2 सिम आप डाल सकते थे और इसमें मेमोरी कार्ड भी था जिससे आप गाने वगैरह भी सुन सकते थे। फोन में पीछे कैमरा भी दिया हुआ है। तो ये जो फोन था नोकिया C2, इसमें इंटरनेट भी चलता था। आप यकीन नहीं करोगे, आज से करीब 7-8 साल पहले जब मैंने अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तो इसी नोकिया के फ़ोन में मैं फेसबुक चलाया करता था। इसमें एक ब्राउज़र होता था जिसका नाम था ओपेरा मिनी, उसमें फेसबुक चला करती थी, गूगल भी था, कुछ भी सर्च कर सकते थे आप। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में अगर किसी फ़ोन में इंटरनेट चलाया है तो यही था, नोकिया C2 फ़ोन है। 2 सिमें डलती थी इसमें और मेमोरी कार्ड भी था, गाने वगैरह भी सुन सकते थे आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद आए कुछ इस तरह के टैबलेट जिसका साइज स्मार्टफोन से भी बड़ा हुआ करता था। देखिए ये है टैबलेट, ये लगभग एक स्मार्टफोन की तरह ही है, लेकिन इसकी स्क्रीन स्मार्टफोन की अपेक्षा बहुत ही बड़ी हुआ करती थी क्या हुआ करती है। अभी भी टैबलेट आते हैं बड़ी बड़ी महंगी कंपनियों के, सस्ती कंपनियों के भी, देख सकते हैं आप ये। तो इसमें लेकिन एक समस्या है, इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो या तो घर बैठे बैठे करिए या कहीं बैग में डाल के ले जाइए, क्योंकि तो ये साइज के हिसाब से कुछ इतना बड़ा होता है कि आपकी जेब में नहीं आ पाता है। इसलिए लोग टैबलेट को ले जाने के अच्छा है मोबाइल रखना प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत होती हैं जो टैबलेट पर, जो बड़ी स्क्रीन पर काम करना होता है लोगों को, लेकिन लैपटॉप नहीं ले पाते, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर काम करना होता है तो टैबलेट लेते हैं। टैबलेट आप देख सकते हो मोबाइल की अपेक्षा बहुत ही बड़ी स्क्रीन है इसकी। इस पर देखिए योगी मोदी छपे हुए हैं, मुझे तो यूपी सरकार की तरफ से मिला था ये, क्योंकि
टैबलेट मोबाइल जितने भी हैं वो अभी तक हमने खरीदे हुए हैं, लेकिन ये जो टैबलेट टैबलेट नहीं जो टैबलेट ये जो है वो यूपी सरकार के द्वारा मिला हुआ है, क्योंकि यूपी सरकार ने यूपी में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, बस बता रहा हूँ कि यूपी सरकार की तरफ से ये टैबलेट मुझे मिला हुआ है। तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सब के बाद आया कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आप सभी ने लगभग काम किया होगा, सीखा होगा, देखा होगा, पूरा होता है, लेकिन उसे एक कमरे से कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए कंप्यूटर का छोटा प्रारूप करके बनाया गया लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब होता है, लैप माने होती है गोद आपकी, और जिसमें आप रख सकते, गोद में रख के आप जो कंप्यूटर चला सकते हैं उसे बोलते हैं लैपटॉप। तो ये देखिए, ये एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, ये पोर्टेबल होता है। तो साइंस ने इतनी तरक्की की कि टेलीफोन से लेके लैपटॉप तक बना दिया, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब आप सिर्फ कॉल के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे मोबाइल पे, लेकिन आज आप अपनी उंगलियों से पूरी दुनिया की जानकारी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आप भारत में बैठे हुए ये देख सकते हो कि अमेरिका में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, कहीं की भी आप न्यूज़ देख सकते हो, कहीं के मौसम का क्या हाल है वो देख सकते हो। आज अगर आपके घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, तो लाइव क्रिकेट स्कोर भी देख सकते हो क्या चल रहा है। अभी तो ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं जो अपने मोबाइल फोन पर ही लाइव क्रिकेट मैच भी दिखा देते हैं। अगर आपने शुरू से ही अपने घर में स्मार्टफोन देखे हैं, ऐसे फोन नहीं देखे, तो अपने घर के बुजुर्गों से, अपने पिताजी से जरूर पूछिएगा कि जब आप छोटे थे तो मोबाइल फोन कैसे हुआ करते थे। मुझे ध्यान है ये फोन जिसमें सांप वाला गेम हुआ करता था, उसका हर कोई दीवाना हुआ करता था। उसके बाद जब मैं सबसे पहले इंटरनेट चलाया घर में, तो इस फोन में चलाया था। देखिए, ना तो स्मार्टफोन है, ना टच फोन है, नोकिया C2 फोन है। सबसे पहले इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, में व्हाट्सएप तो नहीं कह सकते, लेकिन फेसबुक मैंने इसी फोन में चलाई थी। और इस जमाने से लेके, इस जमाने से, इससे भी पहले टेलीफोन के जमाने से लेके आज हमें लैपटॉप और कंप्यूटर के जमाने में, तो आज तो कहीं भी न्यूज देखनी हो, क्रिकेट मैच देखना हो, आप लाइव अपनी गोद में रख के कंप्यूटर पे देख सकते हो, जैसे लैपटॉप बोला जाता है। तो अभी देखिए आपने टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा मेन चैनल है भरारी ब्रदर्स, उस पर 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वाले को भी और उस वाले को भी। तब तक के लिए राधे राधे। हाँ जी, क्या सीन है? हाँ, मिलेंगे जल्द।